अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज के साथ मैं हूँ महनूर नदी। मैं हूँ तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हल्का NA131 इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया है। बात कर लेते हैं, अरशद अली हमारे साथ मौजूद है। अरशद, इसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, NA131 से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है। इससे कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज जो है वो इमरान खान की इसी हलके में ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त को जो है वो दोबारा वोटों की गिनती के जो है वो कलकम करार दिया था हाईकोर्ट का हुक्म। और आज बाकायदा तौर पर जो है वो बाकायदा इमरान खान का NA131 से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। NA131 से ख्वाजा साद रफीक और इमरान खान मद्दे मुकाबल थे और इमरान खान की जो है 680 से लीड थी और यहाँ से इमरान खान कामयाब करार पाए थे। ताहम ख्वाजा साद रफीक थे, रिटर्निंग अफसर NA131 को जो है वो दरख्वास्त दी थी कि मेरे मुस्तरदशुदा वोटों की दोबारा गिनती की जाए, जिसके ऊपर जो है वो ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसर ने NA131 के दोबारा मुस्तरदशुदा वोटों की गिनती की थी, जिसमें जो है वो इमरान खान की लीड वो 603 पर आन पहुंची थी। और फिर दोबारा जो है वो रिटर्निंग अफसर को इमरान खान ने NA131 में जो है वो दोबारा वोटों की गिनती के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसको जो है वो रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिया था। इस दरख्वास्त को इस बुनियाद पर मुस्तरद किया गया था कि इलेक्शन RO ने ये कहा था कि तमाम तरह इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड रूम में जमा करवा दिया गया है और NA131 का जो आपका अरशद अली।